हमारी आग तो जल चुकी है और अभी सेटअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी बनाएंगे खाना। जनाब उठ गए आप? उठ गए जनाब आप? कैसी रही रात आपकी? बहुत बढ़िया रही। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। निकल चुका हूँ एक और राइड पे और आज की राइड कुछ खास होने वाली है, बिकॉज राइड के साथ में रात को करेंगे हम फॉरेस्ट में कैंपिंग। जहाँ पे हमें कैंपिंग करनी है वो जगह अराउंड 55 किलोमीटर है यहाँ से, और अभी टाइम 3 बजने वाले हैं, तो दो घंटे रख लो वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। तो 5-5:30 बजे तक पहुँचेंगे और मुझे लग रहा है कि जब तक हम पहुँचेंगे तब तक अंधेरा भी हो जाएगा 5:30-6 बजे तक। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस ये अभी सब्सक्राइबर बने हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आए हैं ना। कौन से स्कूल के हैं आप सभी? एवीएम से हैं। चलो अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो देखना जरूर। हाँ चलो बाय। से छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभी इन्होंने देखा तो हाथ दिया, रोका और चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं पहुँचूँगा पालनपुर, यहाँ से भीड़ है 20 किलोमीटर और उसके आगे बिलिंग के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, और जंगल जहाँ पे हमें कैंपिंग करनी है वो साइट भी उस जंगल में ही है, जो बिलिंग में ऊपर जंगल है वहीं पे है, तो वहीं पे हम करेंगे जाके। तो हमने जो मिलना है, जो साथ में जो हम कैंपिंग के लिए आए हैं, जो साथ में मिलेंगे हम मिलेंगे भीड़ के चौक पे, भीड़ में मिलेंगे हम सभी और वहीं से फिर हम इकट्ठे ऊपर जाएंगे जंगल की तरफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा, भीड़ में पहुँच चुका हूँ मैं, ये भीड़ ही है और हम सब यहीं मिलने वाले हैं, तो मैं यहीं उनका वेट करूंगा थोड़ा सा आगे। नाक हो गया ठंडा बिल्कुल, यहाँ से दिल्ली बस ही जाती है भीड़ दिल्ली, तो थोड़ा सा आगे रुकता हूँ जाके। सो गाइस अभी हमने यहाँ से ले लिए हैं कैंपिंग गियर, ये देखो सामने पैराग्लाइडिंग होती हुई। सो मैं इस गाड़ी को अभी फॉलो करूँगा, बाकी साथ वाले जो इस गाड़ी में ही हैं। पहले जो कैंपिंग करने का प्लान था वो बिलिंग के ऊपर जंगल में था, बट अभी हमने प्लान चेंज कर दिया, हम जा रहे हैं जोगिंदर नगर साइड कैंपिंग करने के लिए। और कल मैं जब वापस आऊँगा तो आपको मैं दिखाऊँगा लैंडिंग साइड, टेक ऑफ साइड तो मैं अपने एक ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। टाइम अभी हो गया है 5:11 शाम के। अभी जो हमारा कैंपिंग साइट है वो 27 किलोमीटर यहाँ से, ETS 11 का बता रहा है, तो अंधेरा हो ही जाएगा अभी। चल देखते हैं, उनको कुछ थोड़ा सा सामान खरीदना था, फूड आइटम्स, वो खरीद के लेके आएंगे। तब तक मेरे को बोला कि आप चलो, तो मैं चल रहा हूँ, सीधा निकल रहा हूँ, मैं वहीं मिलूँगा। वो गाड़ी में है तो मैं फिर क्यों वेट करता रहूँ, धीरे धीरे मैं निकल गया। कैंपिंग साइट अभी भी यहाँ से है 3.6 किलोमीटर है, ये घटासनी के पास से हमने अंदर की तरफ ब्रॉड वैली वाले रोड पे लेफ्ट टर्न लिया है। जहाँ जो कैंपिंग साइट है उसका नाम है जतिंगरी। सो गाइस फाइनली हम अपनी कैंपिंग साइट पे पहुँच चुके हैं और अभी लाइट दिख रही होगी आपको नीचे, वहाँ पे गए हुए हैं सर्वे करने के लिए कि वहाँ पे कैंप लगा सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे कैंप लगाने वाले हैं। ये अपना एरिया कैंपिंग एरिया, थोड़ा सा लेट हो गए बट अभी हम पहले अपना कैंप सेटअप करेंगे। ये हमने टेंट लगा दिए हैं अपने रात के लिए, दो टेंट है, 5 बंदे हम टोटल, तो ये तो रेडी हो गए हैं। अभी हम आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं, चूल्हा बन के ऑलमोस्ट रेडी है, हमारी आग तो जल चुकी है और अभी सेटअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी बनाएंगे खाना, जैसे कट रहा है प्याज, टमाटो कट चुके हैं और भाई अपना पतीला हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे, पानी गर्म हो रहा है उसमें। प्याज सफिशिएंट है? हां तो प्याज भी ठीक है, मिर्चा डाल, मिर्च ज्यादा पानी ना, हां कट भी मिक्स कर। सो गाइस अभी डिनर कर लिया हमने और अभी करेंगे रेस्ट, बिकॉज टाइम हो चुका है 11:30 हो चुके हैं, तो अभी करते हैं रेस्ट और फिर मिलता हूँ सभी से सुबह। ये है अपना टेंट अंदर से, चलो जी। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, टाइम हो चुका है 6:48 और हम सेक रहे हैं आग, और पीछे ना देखो सनराइज होने वाला है। जनाब उठ गए आप? उठ गए जनाब आप? कैसी रही रात आपकी? बहुत बढ़िया रही। अभी बनेगी चाय
और चाय बनाने वाले हमारे भाई साहब ही हैं। सुन भाई, चाय सवारी है, थोड़ी चटकीली दे बनाने। सो गाइस, अभी बन रही है मैगी और भाई बना रहे हैं मैगी, और हमारा काम है बर्तन साफ करना, तो हम लेके जा रहे हैं बर्तन साफ करने के लिए। सो देसी स्टाइल से, जो पुराने टाइम में जैसे बर्तन साफ होते थे ना, वैसे कर रहे हैं। यह घास और चूल्हे की राख से करेंगे बर्तन साफ हम। बर्तन धो के हो चुके हैं, अब चलते हैं हाथ सेकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, पानी बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा है, हाथ हो गए हैं सुन। चलते हैं अभी, चलो आया। अपनी मैगी रेडी हो रही है भाई अपनी मैगी, और हम खाएंगे मैगी ब्रेकफास्ट में। हाथ हो गए भाई ठंडे बिल्कुल, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है, बर्फ की तरह ठंडा है पानी, थोड़ी हो बर्फ है, बर्फ लिक्विड फॉर्म में। सो गाइस, हम निकल चुके हैं वापस, कैंपिंग साइट को छोड़ दिया हमने, और रात को ना ऑफ रोड बहुत ज्यादा ही मिला था। छोटा बार इधर भी है, एक बीड में बीड ही है, यहाँ से शायद बीड स्टार्ट हो गया है, यहाँ से ऊपर की तरफ है रास्ता। ये लो भाई, आगे हम बीड में, तभी जा रहे हैं लैंडिंग साइट की तरफ। तो ये है लैंडिंग साइड बीड की, बिलिंग का तो मैंने बताया था, ऊपर से टेक ऑफ करते हैं ना, और ये यहाँ पे लैंड करते हैं। अभी दो लैंड हुए हैं, अभी मैं हूँ बीड में लैंडिंग साइट में, जहाँ पे पैराग्लाइडर्स लैंड करते हैं आके। सो आप देख सकते हैं इधर, ये सब यहाँ पे होती है लैंडिंग, अभी कोई लैंड करेगा तो मैं बताऊँगा। और ऊपर है बिलिंग, जहाँ से वो टेक ऑफ करते हैं, और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग सिखाते भी हैं। ये होगा लैंड इधर, हाँ, तो एक लैंडिंग दिखाऊँगा कैसे लैंडिंग करते हैं। ये हो रही लैंडिंग, ये आएगा। तो गाइस, ये जो मैंने दिखाया ये थी लैंडिंग साइट, और जहाँ पे लैंड करते हैं पैराग्लाइडर्स, और जो टेक ऑफ करते हैं वो करते हैं ऊपर बिलिंग से, और ये है बीड। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलता हूँ आप सभी से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।